आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 28 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व वाई इक्वल टू 3 माइनस ये दे रखा मॉड एक्स माइनस 1 बाय 2 माइनस टाइम्स मॉड एक्स प्लस 1 एंड द एक्स एक्सिस। अपने के पास क्या रहा है ये अपने के पास एक ग्राफ है, ये अपने के पास कर्व है और इस कर्व और एक्स एक्सिस के साथ जो अपने के पास बाउंडेड रीजन है उस रीजन का एरिया निकालना है। देखिए जैसे आपने का मॉड उड़ा है तो अपन ज्यादा कुछ टेंशन ना लेने का, सिर्फ और सिर्फ मॉड को पहले डिफाइन कीजिए उसके आगे प्रोसीड कीजिए। क्या कीजिए, मॉड को पहले डिफाइन कीजिए उसके आगे प्रोसीड कीजिए। तो अपने का वाई इक्वल टू अपने का किस बराबर दे रखा है तो 3 माइनस मॉड एक्स माइनस 1 बाई 2 के बराबर और माइनस टाइम्स मॉड एक्स प्लस 1 के बराबर दे रखा है। ये अपने का फंक्शन है। अपन क्या करते हैं मॉड का क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं, ये तो अपने का बेसिक बच्चों वाली खेल, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए अपन का काम, आधा से ज्यादा काम तो वहीं पर हो जाएगा। पता है क्रिटिकल पॉइंट किसके बराबर जाएंगे, ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये अपने के पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, अपने के पास दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक इसका और एक इसका, तो एक यहां पर एक यहां पर, इसका अपने के पास आ जाएंगे माइनस वन, इसका आ जाएंगे प्लस वन बाई टू। तो ये आ गया वन और ये आ गया अपने के पास सॉरी माइनस वन और ये आ जाएगा अपने के पास वन बाई टू के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपने के पास डिफाइनिंग कर लीजिए, वन बाई टू से ज्यादा, वन बाई टू से ज्यादा जैसे रखेंगे तो ये अपने के पास निगेटिव से खुलेगा और ये अपने के पास सॉरी वन बाई टू से ज्यादा तो ये अपने के पास क्या जाएंगे पॉजिटिव से खुलेगा और ये भी अपने के पास क्या जाएंगे पॉजिटिव से खुलेगा। यानी ये मॉड के बारे में हम बात कर रहे हैं, अभी ज्यादा कुछ इस थ्री उड़ी के बारे में सोचिए ही नहीं। तो वन बाई टू से ज्यादा जैसे रखेंगे तो ये पॉजिटिव, अच्छा माइनस टाइम्स भी है यहाँ पर, तो दोनों में इसमें थोड़ा सा और करेक्शन कर लीजिए, करेक्शन नहीं सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो y माइनस माइनस का कॉमन लेंगे तो मॉड x माइनस वन बाई टू ये आ जाएंगे और प्लस टाइम्स मॉड x प्लस वन ये आ जाएंगे बराबर। यहाँ पे अपने पास माइनस कॉमन ले लीजिए ताकि माइनस का लफड़ा ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये अपने पास किसके साथ खुलेगा पॉजिटिव, यानी x माइनस वन बाई टू के साथ ये अगेन खुल जाएगा और ये भी अपने पास x प्लस वन के साथ ये खुल जाएगा। माइनस वन और वन बाई टू के बीच लेंगे ना तो ये कोई भी नंबर लेकर देखिए, जीरो मान लेते ले लेते हैं, माइनस वन बाई टू और वन ये माइनस वन और वन बाई टू के रीजन में आने चाहिए। जैसे इसमें जीरो लेंगे तो ये निगेटिव हो जाएंगे लेकिन ये अगेन पॉजिटिव होगा, तो ये जैसे ही निगेटिव होंगे एक माइनस साइन कहेगा अरे हमारे साथ भी चलो, तो एक्स माइनस वन बाई टू के बराबर हो जाएंगे। हाँ याना तो माइनस इसके साथ कहेगा चलो तुम्हारे साथ चलते हैं तुमको प्लस बना देंगे और ये तो पॉजिटिव अगेन हो जाएंगे तो एक्स प्लस वन के बराबर बराबर। अब आपने क्या क्या माइनस वन से छोटा, माइनस वन से छोटा कुछ भी लीजिएगा ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो जाएंगे, तो कहेगा हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, माइनस कहेगा कि हम तुम्हारे साथ भी चलेंगे और माइनस कहेगा हम तुम्हारे साथ भी चलेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं तो यह आ गया अपने माइनस एक्स और माइनस वन बाई टू सॉरी प्लस वन बाई टू और यह आ गया अपने माइनस एक्स और प्लस टाइम्स किसके बराबर सॉरी माइनस टाइम्स वन के बराबर। हाँ या ना, और इसको सॉल्व कीजिए यहां से अपने इसको हम ऊपर कर दिए और इसको भी ऊपर कीजिएगा तो अपने सॉल्व कीजिए किसके बराबर जाएंगे बताएं, तो यह आ गया माइनस एक्स और यह आ गया प्लस वन बाई टू प्लस टाइम्स एक्स और प्लस वन के बराबर। ये तो आ जाएगा अपने टू एक्स और प्लस टाइम्स वन बाई टू के बराबर, सॉल्व कर लीजिए इसको तो ये किसके बराबर आ जाएगा टू एक्स प्लस टाइम्स वन बाई टू के बराबर ये हो जाएंगे ना। तो अगर आप इसको ऊपर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से अपने किसके बराबर आ जाएंगे तो यह आ गया माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स और माइनस टाइम्स वन बाई टू के बराबर। हाँ या ना, ठीक है इसको सॉल्व कीजिए, बस ऊपर सॉल्व करते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास माइनस टू एक्स और ये आ गया प्लस माइनस वन बाई टू, इसको सॉल्व कीजिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया अपने पास थ्री बाई टू के बराबर। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे बताएं, तो ये आ गया अपने पास ये तो ऐसे आ जाएंगे टू एक्स प्लस वन बाई टू के बराबर। अब क्या कह रहा है कि ये अपने पास पूरे के थ्री से माइनस किया गया, यानी अपने पास वाई अपने पास फंक्शन जो लिखेंगे ना वाई इक्वल टू वो अपने के पास किसके बराबर, तो एक्स अगर लेस देन इक्वल टू माइनस वन हो, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन हो, एक्स अगर लेस देन इक्वल टू वन बाई टू हो लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन हो। इक्वल टू हटा दीजिए, ग्रेटर देन एक जगह इक्वलिटी लगा दी कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन माइनस वन के बराबर। अगर एक्स कहां से कहां तक तो ग्रेटर देन इक्वल टू यहां पर लगा दिए तो यहां पर अपने ग्रेटर देन वन बाई टू के बराबर बराबर वन बाई टू से बड़ा हो तो अपने पास फंक्शन बताए, तो यहां से अपने इसमें से थ्री माइनस करना पड़ेगा तो यहां से अपने फंक्शन जो हो जाएंगे वो अपने किसके बराबर जाएंगे, तो देख लीजिए इसमें से जैसे थ्री माइनस करेंगे तो यह आ गया अपने थ्री प्लस टू एक्स प्लस टाइम्स वन बाई टू के बराबर। वन से छोटा में ये फंक्शन और इसमें अपने क्या कहते हैं थ्री माइनस वन बाई टू के बराबर ये हो जाएंगे ना, थ्री माइनस थ्री बाई टू वन बाई टू थ्री बाई टू के बराबर, थ्री माइनस थ्री बाई टू के बराबर और इसमें से अपने ये माइनस कर लीजिए तो ये अपने कितना आ जाएगा, तो थ्री माइनस टाइम्स ये आ गया अपने टू एक्स माइनस वन बाई टू के बराबर, तो टू एक्स माइनस टाइम्स वन बाई टू के बराबर ये हो जाएंगे ना माइनस टाइम्स वन बाई टू। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व यहीं पर कर दे क्या,
चलिए यहीं पर हम कर देते हैं सॉल्व। तो ये आ गया मिलकर किस बराबर, तो 2x प्लस टाइम्स ये आ गया 3 दूनी 6 और 6 3 दूनी 6 1 7, तो 7/2 के बराबर ये सॉल्व कीजिए ऊपर वाला जाएगा। 3 दूनी 6 में से 3 जाएगा अपने किस बराबर जाएंगे, 3 दूनी 6 6 में से 3 जाएगा तो अपने के पास आ जाएंगे 3/2 के बराबर अगेन आ जाएंगे। और ये अपने किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा 5/2 और माइनस टाइम्स 2x के बराबर। यानी ये अपने पास फंक्शन इसके बराबर हो गए, कुछ नहीं किया सॉल्व कर लिए, ये अपने पास इसके बराबर हो गए और ये अपने पास इसके बराबर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास इससे ग्राफ बना लीजिए, यानी तो एक बार अपने पास सिंप्लीफाई फॉर्म में यहां पर लिख ही देते हैं। ये आ गया अपने पास 2x प्लस 7/2 अगर x लेस देन इक्वल टू -1 हो, अगर x 1/2 से छोटा और -1 से बड़ा हो, तो ये अपने पास फंक्शन आ जाएंगे 3/2 के बराबर। और अगर आपके पास x अपने पास ग्रेटर देन 1/2 के बराबर, तो ये अपने पास किस तरह आ जाएगा 5/2 और -2x के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना ये बताएं। ये अपने पास फंक्शन आ गया, अब इससे क्या कीजिए ग्राफ बना लीजिए, बना सकते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले अपने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है, हम इतना टाइम इसलिए लगा रहे हैं कि आपको एक एक स्टेप क्लियर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि हम अपने सीख लिए और आप नहीं सीखे। हमको आईआईटी का एग्जाम तो नहीं देना है, जेई मेंस का एग्जाम तो आपको देना है, ठीक है। तो ये आपने क्या इसको सीधा कर लीजिए। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या, ये वाई इक्वल टू, जैसे वाई इक्वल टू आपने क्या, ये वाली लाइन क्या है, ये सारी लाइन वाई इक्वल टू समथिंग है, वाई इक्वल टू समथिंग, और ये आ गया वाई इक्वल टू समथिंग। वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आपने क्या कितना है 7/2 के बराबर, और वाई इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, सॉरी एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे ये 7/2 के बराबर, और एक्स इक्वल टू आपने के पास क्या पुट कर लेंगे, एक्स इक्वल टू 0, तो ये आ गया 7/2 के बराबर, और वाई इक्वल टू आपने के पास क्या पुट करना है, तो 7/2। ये आपने क्या ग्राफ ऐसे आएंगे, ये जो ग्राफ है आपने का स्लोप आपने का पॉजिटिव, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। जैसे आपने का इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्या पुट कर लें, x इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा, तो यहां से x इक्वल टू 0 पुट कर लें तो यहां से आ गया आपने का y इक्वल टू 5/2 के बराबर, तो ये 7/2 है और ये 5/2 है। तो अब इसी से बात है कि ये थोड़ा सा नीचे होकर के जाएगा, कहां से होकर जाएगा, नीचे होकर के, कौन सा नीचे होकर जाएगा, 5/2, ये आ गया 3/2, ये आ गया 7/2, तो ये ग्राफ आपने का कुछ इस तरीके आएगा, हाँ या ना ये बताएं। और x इक्वल टू अपने क्या है, y इक्वल टू 3/2, y इक्वल टू 3/2 लाइन, अब इसी से बात है कि यहाँ पर होगा, हाँ या ना ये बताएं। ये अपने क्या कुछ इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा। अब जब ये इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, तो ये अपने क्या आ जाएंगे इस तरीके का ग्राफ, ठीक है, ये आ गया अपने क्या पैरेलल टू x एक्सिस होंगे ना। अब अपन क्या कीजिए, इससे बाउंड्री रीजन का एरिया बताना है x एक्सिस, यही कह रहा ना कि ये सारे ग्राफ इसके साथ और अपने क्या x एक्सिस के साथ बाउंड्री रीजन का एरिया बताना है, तो बताएं इससे बाउंड्री रीजन अपने पास कौन सा आ जाएंगे, ऊपर वाला भी है और नीचे वाला भी, लेकिन अपने पास इससे बाउंड्री रीजन ये वाला है, तो ये वाले एरिया अपने पास बताना है कौन सा एरिया, ये अपने पास जो ग्रीन कलर से कलर कर रहे हैं, पता है कैसे निकलेगा, जैसे निकालना चाहिए वैसे निकलेगा, तो ये अपने के पास ग्रीन कलर का एरिया कुछ दिख रहा है क्या, ये अपने पास एक ट्रेपेज़ियम बन रहा है, क्या बन रहा है ट्रेपेज़ियम। अगर इसको नेमिंग कर देते, ये ए हो गया, इसका नाम बी हो गया, इसका नाम सी हो गया, इसका नाम आपने क्या डी हो गया, तो ये पॉइंट आपने क्या बताएं, ये पॉइंट नहीं, आपने क्या ये पॉइंट भी निकालना है, चलिए ये पॉइंट निकाल लीजिए, ये पॉइंट निकाल लीजिए और ये पॉइंट निकाल लीजिए। ये पॉइंट तो निकालना काफी ज्यादा आसान, ये पॉइंट आपने क्या क्या है, ये वाली जो लाइन है वो लाइन आपने क्या क्या है, तो वाई इक्वल टू आपने क्या दे रखा है 2x प्लस टाइम 7/2 के बराबर, ये वाली जो लाइन है वो आपने क्या किस बराबर, तो वाई इक्वल टू दे रखा है 5/2 और माइनस टाइम से 2x के बराबर, और ये वाली लाइन है आपने क्या y इक्वल टू 3/2 के बराबर। अब आपने के पास सारे पॉइंट आ जाएंगे, बताएं इसमें आपने क्या x इक्वल टू 0 पुट कीजिए, y इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा, y इक्वल टू जैसे 0 पुट कीजिएगा इसमें, इस लाइन में, ये वाली लाइन में y इक्वल टू 0 पुट कीजिए, तो यहां से आपने क्या x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, रफ में आपने क्या यहां पर सॉल्व कर लीजिए, तो 2x प्लस टाइम 7/2 इक्वल टू 0 के बराबर, तो यहां से x इक्वल टू आ गया आपने के पास -7/4 के बराबर, यानी ये जो पॉइंट आ जाएंगे आपने क्या आ जाएंगे 0, और y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -7/4 के बराबर, ठीक है। d कोऑर्डिनेट, c कोऑर्डिनेट आपने क्या है, इसमें आपने क्या x इक्वल टू 0 पुट कीजिए, तो ये आ गया आपने क्या 5/4, 0 के बराबर बराबर, और ये जो पॉइंट आएंगे y इक्वल टू आपने क्या किसके बराबर, तो y इक्वल टू आ गया आपने क्या 3/2 के बराबर, ये जो पॉइंट आ जाएंगे 3/2 0, 3/2 के बराबर। a पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, a पॉइंट का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आपने क्या 3/2 इस इक्वेशन में डाल दीजिए, जैसे इस इक्वेशन में 3/2 डालेंगे तो ये आ गया किसके बराबर 2x प्लस टाइम्स 7/2 के बराबर, इसको इस इक्वेशन में डालेंगे तो ये आ गया अपने बताएं, तो ये आ गया अपने के पास 2x इक्वल टू आ गया अपने के पास 3/2 माइनस टाइम 7/2 के बराबर, तो ये आ गया x इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास, तो ये आ गया 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेंगे, माइनस टाइम्स 4/2 के बराबर, 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, x इक्वल टू आ गया अपने पास, अच्छा 7 में 1 के बराबर आ गए यार, -1 के बराबर आ गए, एक बार देख लीजिए सॉल्व कर लीजिए,
ये माइनस वन के बराबर है क्योंकि ये टू एक्स है ना, तो ये अगर टू टू कैंसिल एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन कॉमा थ्री बाई टू के बराबर हो जाएंगे। बराबर, ये सब आपने गंदा करने की जरूरत नहीं, ये रफ फिगर में करना है, रफ में आपने करना है, यहां पर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया इसके बराबर, ये पॉइंट बताएं। बी बी आपने किसके बराबर जाएंगे, तो बी आपके पास आ जाएंगे, इसको थ्री बाय टू आपने वाई की जगह डाल दीजिए, थ्री बाय टू इक्वल टू आ गया फाइव बाय टू माइनस टाइम्स टू एक्स के बराबर, या गया अपने टू एक्स इक्वल टू आ जाएगा अपने फाइव बाय टू माइनस टाइम्स थ्री बाय टू के बराबर, पांच में से दो जाएगा तीन जाएगा दो वन, एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास टू एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू आ जाएंगे हाफ के बराबर। बराबर, तो ये आ गया, ये जो पॉइंट आ जाएंगे, ये पॉइंट आ गया अपने पास वन बाय टू कॉमा थ्री बाय टू के बराबर। अब अपने पास एरिया ऑफ ट्रेपिजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपिजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड और अपॉन में अपने किसी बराबर होता है, सॉरी इनटू में आपने के पास हाइट के बराबर और इनटू वन बाई टू। तो यहां से आपने के पास इसके एरिया को ए मानते हैं, ठीक है, तो ए निकालना है, तो यहां से ए बी बताएं, ए बी आपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ए बी अगर आप देखते हो तो माइनस वन यूनिट ये है और आपने के पास वन बाई टू यूनिट ये है, तो ये आपने के पास थ्री बाई टू के बराबर हो जाएंगे। ए बी आपने के पास किसके बराबर, थ्री बाई टू के बराबर। डी सी बताएं, डी सी आपने के पास क्या है, सेवन बाई फोर यूनिट ये है और फाइव बाई फोर यूनिट ये है, सात पांच बारह, बारह में से आपने के पास क्या जाएंगे, बारह में से अगर आपने के पास सात पांच बारह, बारह को आपने के पास चार से डिवाइड किया, ये थ्री के बराबर हो जाएंगे। और हाइट, हाइट आपने के पास ये यहां से लेकर के यहां तक हाइट आप बता सकते हैं h, जो कि आपने के पास किसके बराबर है, तो जीरो, ये थ्री बाई टू के बराबर। y कोऑर्डिनेट आपने के पास h डायरेक्ट लिख दी, h इक्वल टू आपने के पास थ्री बाई टू के बराबर। अब आपने के पास एरिया ऑफ ट्रेपिजियम एबीसी, तो एरिया ऑफ ट्रेपिजियम एबीसीडी पता है किसके बराबर जाएगा, तो वन बाई टू इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ए बी प्लस टाइम्स डी सी। हमें कैसे पता कि ये पैरेलल है, अरे बेवकूफ, ये जो पैरेलल लाइन होते हैं अपने पास वाई इक्वल टू कुछ भी लाइन खींचेंगे तो अपने पास एक्स एक्सिस से हमेशा पैरेलल होते हैं, इस बात का ख्याल रखें, इनटू अपने पास हाइट के बराबर। या गया वन बाई टू इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी आ गया थ्री बाई टू प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे थ्री के बराबर, और इंटू में आ गया अपने पास थ्री बाई टू के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए किसके बराबर आ जाएंगे, यह आ गया तीन 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 दिन छः, छः तीन नौ, और अपॉन में अपने पास आ जाएंगे दो के बराबर, ये तो आ गया इसके बराबर, तीन दूनी छः तीन नौ और वन बाई टू और इंटू आ गया अपने पास थ्री बाई टू के बराबर, यानी कि अगर तीन तिया नौ तिया सत्ताईस और अपॉन में आ गया दो दूनी चार दूनी आठ के बराबर, यानी ट्वेंटी सेवन अपॉन एट के बराबर अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देख लीजिए ट्वेंटी सेवन अपॉन एट कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ट्वेंटी सेवन अपॉन एट ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बराबर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको इरेज कर दीजिए, स्क्वायर में बनाइए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बराबर, तो ये आ गया 27 अपॉन 8 के बराबर अपने के पास इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने के पास, जैसे ही मॉड आए तो मॉड को पहले डिफाइन कर लीजिए। इतना हमें इसलिए टाइम लगा कि हमको समझाना पड़ता है, अगर हम नहीं समझाए डायरेक्ट हम अपने अपने करते जाए, हम तो ये जो है ना इसको लिख करके हम डायरेक्ट ये स्टेप लिखते, ये वाला इसको अपने के इस बीच में ये दोनों तो हम स्किप ही कर देते, कैसे आते नहीं आते वो हम अपने प्रैक्टिस से कर लेते, ठीक है, लेकिन हमको समझाए कि आते कैसे ये सब हम रफ फिगर में या दिमाग में कर लेते। तो बस नेक्स्ट वीडियो में, ये थे आपके जेई मेंस के 28 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट एक्टिविटी में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।